नमस्कार, स्वागत है आपका बजट अड्डा में। और जैसा हमने इसका नाम रखा है कि ग्रोथ का एक ट्रेलर है या टीजर है, आप इसको कह सकते हैं। सरकार ने आज जो इंटरिम बजट पेश किया है उसमें एक तरीके से ब्रिग पिक्चर पेश की है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सरकार कैसे आगे ले जाने वाली है। एक डिकेड पीछे से, यानी जब से सरकार आई है वहाँ से लेकर के काफ़ी कुछ एनालाइज किया गया है और आगे का रास्ता क्या होगा उसको तय किया गया है। तो चूंकि ये एंटरिम बजट है, उसके बाद जब फुल बजट नई गवर्नमेंट पेश करेगी तो उसमें इसकी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। सरकार ने इस बजट में राजनीतिक तौर पे भी देखें तो बहुत कुछ साधने की कोशिश की है और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो यहाँ से आगे अगले 10, 15, 20 साल के विज़न को दिखाती हैं। तो ये एक ग्रोथ का ट्रेलर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्कुल नहीं हटा है। भले ही ये एंटरिम बजट था, तब भी उन्होंने उस मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए प्रोविजंस रखे हैं और वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। साथ ही इस देश की जो सबसे बड़ी एक समस्या थी कि हम लोग ओरिजिनल रिसर्च नहीं करते थे या बहुत कम करते थे, उसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़े फंड का ऐलान किया है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से दिखती है कि उन्होंने महिलाओं पर और रूरल इलाकों पर काफ़ी फोकस किया है, क्योंकि अगर आप 7 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाहते हैं तो जो 50% आबादी है उसका वर्क पार्टिसिपेशन कितना है, यानी महिलाओं का वर्क पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ शायद 18-19% से ज़्यादा नहीं है। वर्किंग एज, प्रोडक्टिव एज की बात मैं कर रहा हूँ, उसको कैसे और एंगेज किया जाए, उसके लिए और क्या सुविधाएं दी जाएं जिससे वो फॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में आ सके, इसको ध्यान रखा जाए। अब इसको आप पॉलिटिकल भी समझ सकते हैं कि महिलाओं की तरफ से ज़्यादा ध्यान दिया गया तो राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन उसको मैं इस इकोनॉमिक एंगल से देखता हूँ कि वो वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन जब होगा तब इकॉनमी की रफ्तार और तेज़ी से बढ़ेगी। तो इस नज़रिए से क्या बजट को देखना चाहिए, या इस नज़रिए से देखना चाहिए कि सरकार ने एक बहुत बड़े विज़न के तहत जो काम करना शुरू किया है उसमें आने वाले समय में कई चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि जो सरकार मैथ दे रही है कि वो कैसे फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करके अगले 2 सालों में 4.5% ले आएगी, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत की एंट्री होने वाली है और साथ ही हम अगले 2 सालों में $5 ट्रिलियन की इकॉनमी को अचीव कर लेंगे, ये कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको पूछना चाहिए। बातचीत हम करेंगे आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट कैसा था, इसके डायरेक्शंस क्या हैं। हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं, मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूँ। सुनील सुब्रमण्यम जी हमारे साथ हैं, MD & CEO सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। साकेत मिश्रा जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। SP शर्मा जी हैं, PhD CCI के चीफ इकोनॉमिस्ट। गुलाम जिया हैं, EDF नाइट फ्रैंक के और इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपर्ट। और साथ ही शरद कोहली जी हमारे टैक्स गुरु, इकोनॉमिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट, जो भी कहिए हमारे जानकार। आप सबसे बातचीत करूं इससे पहले कुछ मैं आपको बाइट सुनाना चाहता हूं वित्त मंत्री जी की, जो उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान कही है। द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट इज 5.8% ऑफ GDP, इंप्रूविंग ऑन द बजट एस्टिमेट नॉट विथस्टैंडिंग मॉडरेशन इन द नॉमिनल ग्रोथ एस्टिमेट्स। We continue on the path of fiscal consolidation as announced in my budget speech of 2021-22 to reduce fiscal deficit below 4.5% by 2025-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established
with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपने सुनी जो वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान रखी है। मेहमानों से हम लोग बातचीत करेंगे। कोहली सर, टैक्स की बात बाद में करेंगे हम। ओवरऑल ये बजट, चूंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इकोनॉमी में बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, आप सीए हैं तो बहुत सारे इंडस्ट्री वाले, पर्सनल वाले सब लोग मिलते हैं, आपकी नज़र से बजट को आप कैसे देखते हैं? जो स्पीच दी गई है, एक टिकट बीत चुका है इस सरकार का और अब अगले डिकेड की तैयारी के लिए बजट रखा गया है। मुझे लगता है जैसा एक इंटरिम बजट होना चाहिए, एक वोट ऑन अकाउंट नाम की तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी टर्म ही नहीं है, तो एक उसकी एप्लीकेशन है। मुझे लगता है जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही आया है। और सरकार को अपनी उपलब्धियां बतानी थी, क्योंकि आप 10 साल के एंड पर हैं तो नेचुरली आप एक रैपअप देते हैं कि भाई हमने 10 साल में ये किया, ये किया। और पार्ट बी में ओवरऑल बात कर रहा हूँ, और पार्ट बी में आप एक दिशा दिखाते हैं, एक डायरेक्शन दिखाते हैं कि हम इस तरफ आगे जाने वाले हैं। और मुझे लगता है जो जुलाई में बजट आने वाला है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसकी ये लाइंस अनफोल्ड कर रहा है कि वहाँ हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। और ये जो चार जातियाँ प्रधानमंत्री जी ने आइडेंटिफाई करी, ये चार जातियाँ मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा था नीरज, कि ये कितनी आबादी बन जाती है। आधी तो सीधा महिलाएं हो गई, तो 50% तो आपने सीधा हिट कर दिया। बाकी आप फार्मर्स की बात करें और यूथ की बात करें और गरीबों की बात करें, तो मुझे लगता है बचे कौन? सिर्फ आप और मैं रह गए या जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं हमारे वहां रह गए, वही लोग बचते हैं, बाकी तो कोई बचता नहीं है। तो करीब हाँ, मेरा मतलब करीब करीब जो है सभी लोग कवर हो जाते हैं इसमें, मोटा मोटा सब लोग कवर हो जाते हैं। तो बहुत ही इंटेलिजेंट पोजिशनिंग मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर करी है, ये कि मैं ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं मानता, मेरे लिए ये चार जातियां और मैं इन्हीं के लिए काम करूंगा। और वो जो ज्ञान फोकस था, मुझे लग रहा है वो बजट का हाईलाइट था। दूसरा हाईलाइट मुझे लगता है कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन करी है, क्योंकि ऐसे माहौल में आप जब ठीक है टैक्स कलेक्शन हमारी बड़ी है वगैरह वगैरह, पर जो फिस्कल कंसोलिडेशन आप 5.4% 26 में बात कर रहे हैं, 5.1 अगले साल बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा टेक अवे। और रिसर्च जो जय अनुसंधान डायमेंशन उस नारे में, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये जो चौथा डायमेंशन ऐड हुआ है वो बहुत बड़ा टेक अवे। क्योंकि R&D के लिए भारत के ऊपर बार बार इल्जाम लगाया जाता था, साहब आपके यहाँ रिसर्च नहीं है, जिन सेक्टर्स पे भारत पे कटाक्ष किया जाता था कि आपका एजुकेशन पे हेल्थ पे एलोकेशन बहुत कम है, बहुत मिनिमल है, वो बहुत बड़ा। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि बजट ने एक खाका एक पिक्चर खींच दिया है कि आप इसको कहाँ लेके जाने वाले हैं देश को आगे। और मुझे लगता है इसमें ये भी पोजीशन की गई है कि आपको आगे जो इलेक्शंस हैं, अब थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स को छू के आऊँगा ज़्यादा बात, तो मुझे लगता है कि सरकार को और मेरे ख्याल तो जनता को भी आपको भी कोई डाउट नहीं है, थैंक्स टू विपक्ष, जो विपक्ष ने अपने आप को थोड़ा सा जैसे बिखर से गए हैं, तो लगता है कि अब ये जो आगे जो डायरेक्शन दिया है, ये इंटरिम बजट क्या है, ये तो मैं समझता हूँ कि उसी बजट को का एक हिस्सा आज पढ़ दिया गया, भूमिका पढ़ दी और बाकी का बजट तब खुलेगा। ये तो इंटरिम बजट का मतलब, देखिए मैं बजट गिन रहा था नीरज, टोटल 91 बजट आ चुके हैं आजादी से अब तक, और मैं इंटरिम बजट गिन रहा था कितने आए, करीब 14 के आसपास इंटरिम बजट आए हैं, और उसमें से कुछ इंटरिम बजट थे, मैं डिटेलिंग में नहीं जाता, जिसमें ये पक्का नहीं था कि कौन सी सरकार आने वाली है। करेक्ट, क्योंकि आप श्योरिटी तो नहीं होती, ये श्योरिटी आपको अभी मिल रही है, पर अभी हमेशा तो ऐसी श्योरिटी नहीं होती है कि आप बिल्कुल क्लियर हैं कि क्या आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि जब ऐसी हालात होते हैं कि आपको डेफिनेटली पता है कि सरकार और कोई दूसरी बनने की इस समय पोजीशन में नहीं है, मैं ऐसे कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो ऐसे में फिर आपकी बजट की पोजीशनिंग, उसकी लैंग्वेज, उसकी स्पीच और तरीके से हो जाती है। तो इसमें ये बजट आपको एक स्टॉप ओवर है जो बता रहा है कि हमने इतना अभी आपको यहाँ बता दिया, बाकी का हम आपको आगे जाके बताएंगे। और बात जब टैक्स की आती है, तो टैक्स में हम आप कल बात कर रहे थे इस पे, तो टैक्स में मुझे कोई बहुत बड़ी उम्मीद पहले नहीं थी, और हालांकि हम ओल्ड न्यू रेजिम की बात कर रहे थे, NPS की बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर रहे थे, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। मुझे लग रहा है अभी भी वो पूरी तरह से हटी नहीं है, वो जुलाई के लिए हो सकता है पोस्टपोन कर दी गई हो, पर कुल मिला के 58 मिनट की मुझे लग रहा है एक ऐसी पैकेजिंग है जो आपको पीछे का एक रियर व्यू मिरर से आपको पीछे का दिखाती है और विंडशील्ड से आपको आगे का रास्ता दिखाती है, कुछ इस तरीके का ये है। और फोकस वही चार लोगों पर है, और मैं फिर दोहराता हूं, इन चार जातियों में आप करीब करीब
100% पॉपुलेशन की कवरेज कर रहे हैं, करीब करीब, मैंने करीब करीब 100 कहा, 1% नहीं, मैं आपको तो छोड़ ही रहा हूँ, हमारे चारों पांचों पैनलिस्ट भी छूट गए, 1% छोड़ गए, 99% इसमें कवर है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। सुनील सर, जो भी कोहली जी कह रहे थे, क्या ये बजट, ये सरकार ने जो जंतर बना लिया है कि हम ग्रोथ ओरिएंटेड बिग पुश वाला बजट रखेंगे और उसके जरिए सारी चीजों को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, मार्केट के लिहाज से या मार्केट के लोग जैसे बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, तो इसमें एक फिस्कल मैथ भी दी गई है, इंफ्रा पुश भी दिया गया है, एक नया फंड भी अनाउंस कर दिया गया है, आप लोगों ने इसको कैसे असेस किया, मार्केट ने इसको ठीक रीड कर लिया है कि ये बजट कैसा है? नहीं, आज की मार्केट की जो रुझान देखे और रिजल्ट देखे तो लगता नहीं कि मार्केट ने पूरा समझा है बजट को क्योंकि मेरे ख्याल में ये बजट इतनी अच्छी है, फिर भी आज मार्केट ठंडा था और मिड एंड स्मॉल कैप में देखिए उतना भी ये ग्रोथ नहीं था, तो मार्केट समझ रही की कोशिश कर रही है क्योंकि बजट के पहले मार्केट ने उम्मीदें बहुत बढ़ा दी थी, ये होगा, ये होगा, और जब नहीं हुआ तो वहां पे जो भी इन्होंने पोजीशंस लिया था सर्टेन स्टॉक्स और सर्टेन सेक्टर्स में, वो उसको आज रिडीम कर रहे थे, बिकॉज कहते हैं ना, बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द फैक्ट। पहला रूमर था कि ये मेरे लिए होगा, उतनी बड़ी बातें हुई थी, और जब बजट में नहीं आया तो सेल में उसमें सेल हुआ था, तो मार्केट अब अगले हफ्ते में इसको पूरी समझ के आगे लेके जाएगी। और इसमें पॉजिटिव चीज ये होती है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो हम डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्या देखना चाह रहे हैं कि बाकी लोग कौन आके खरीदने वाले हैं ताकि उनके पहले हम खरीदे, तो वहां पे सबसे बड़ा दिग्गज वाला है FII, राइट। अब FII क्या देखेगा, क्योंकि इस महीने तो उन्होंने सेलिंग किया है, उसके कई कारण बताए गए कि वो जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर का वो था, उसके कारण वो बेच रहे थे, जो भी चीज मान लीजिए, मगर एक फॉरेनर को क्या होता है कि रिस्क कैपिटल रिस्क के बेसिस पे एलोकेट होता है, और बजट से सबसे बेहतरीन चीज जो एक फॉरेन निवेशक ले आया कि क्या इंडिया का रेटिंग में कोई डाउनग्रेड का तो चांस ही नहीं है, मगर अपग्रेड के थोड़े पॉसिबिलिटीज इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि फिस्कल ग्लाइड पाथ में एक इस साल का 5.9 से एक्चुअल कम निकला, और दूसरी बात अगले साल का भी 5.3 ओरिजिनली कमिट किया उसको 5.1 बता दिया, तो पब्लिक रिलेशंस में उनकी उनके साथ बात कर रही थी वित्त मंत्री, मैं आपसे कह रही हूं कि देखो मैं जो कहती हूं वो करके दिखाएगी, और इवन दो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वाज लेस देन एक्सपेक्टेड, मैंने अपने जो कमिटमेंट है उसको लिव अप कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है टुवर्ड्स द फॉरेन निवेशक, और इंडिया की रिस्क रेटिंग शायद अपग्रेड भी हो सकती है, मैंने देखा कि क्योंकि जो बॉन्ड के इनफ्लोज आएंगे उससे आएंगे, जो सपोर्ट मजबूती मिलेगी करेंसी को, शायद हो सकता है, बहुत छोड़िए, मगर कोई भी रिस्क, तो एक रिस्क तो दिसंबर 3 को उठ गई थी जब स्टेट असेंबली के रिजल्ट्स आ गए, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। सेकंड, ये बजट में नॉट ओनली फिस्कल ग्लाइड बात, वो पॉलिसी कंटिन्यूटी की भी बात हुई, क्योंकि ये बजट खाली इस साल की बात नहीं कर रही है, 2047 की ग्लाइड पाथ ऑन ग्रोथ के बारे में हम कंटिन्यूसली जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, तो ये रीअश्योरेंस भी मिल गया उस फॉरेन निवेशक को। तो मेरे लिए एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, फॉरेनर का और सॉवरेन वेल्थ फंड का भी वो टैक्स का भी एक साल और एक्सटेंड कर दिया, आपने देखा सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड का, तो फॉरेनर की आंखों से इन्होंने बहुत बढ़िया ड्रेसअप किया है इंडिया को, इस गवर्नमेंट को और इस पॉलिसी को, तो वो एक निवेशक के लिए, सेक्टर स्टॉक ये सब छोड़िए, इंडिया में निवेशक के लिए फॉरेनर आके जो भी चीज खरीदने वाला है उसको आज खरीदेंगे तो उसको हमसे फायदा मिलेगा, तो सीधा सा बात ये एक बात सामने उठती है। सेकेंड बात यह है कि उन्होंने जो कहा इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक पॉपुलेशन, राइट, उन्होंने जो ज्ञान की अभी बात आप कर रहे थे उसके साथ मिडिल क्लास हाउसिंग के लिए उन्होंने जो एलोकेशन किया, ये सब बातें, और नारी शक्ति के लिए, और ये सब बातें पब्लिक के लिए बात किया, क्योंकि आप टीवी चैनल में और कल अखबार में क्या छपेंगे ना, ये बात तो एक ऑर्डिनरी निवेशक जो आज SIP के रूट में म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है उसको कॉन्फिडेंस दो चीज में आएगी, एक इंडिया का ग्रोथ स्टोरी कायम है तो मैं उसमें निवेश कर सकता हूं, दूसरी बात है कि ये गवर्नमेंट वापस आएगी क्योंकि इतने सारे जैसे कह रहे ये 99% ऑफ पॉपुलेशन को इन्होंने कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की है, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, तो इससे मानते हैं कि ये 17,000 करोड़ की SIP बुक साल के अंदर 20,000 या 25,000 तक जा सकती है, तो ऐसा निवेशक मैं देख रहा हूं कि अगर वो आ रही है तो बाइंग कैपेसिटी मार्केट में बढ़ेगी,
ये मेरे लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए इस बजट के बाद और हौसला बढ़ गया है कि आज ही खरीदारी करो, क्योंकि कल कई लोग खरीदारी करने वाले हैं तो दाम और बढ़ेंगे। बस यही मेरी एक समरी है। नहीं, इंटरेस्टिंग है कि जो लोग हांगकांग सिंगापुर से बैठ के इंटरनेशनल ऑडियंस हमारी ये बजट देख रही होगी उसके लिए बस बजट में ये काम की बात थी कि ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है। साकेत जी, अगर इसको हम लोग पहले तो ये बताइए ग्रोथ ओरिएंटेड है या थोड़ा पॉपुलिस्ट है, दो पॉइंट पे मुझे आपसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। एक तो ये कि इससे रोजगार कैसे बढ़ेंगे और दूसरा कंजम्पशन कैसे ड्राइव होगा जो कि अभी भी रूरल इलाकों में या छोटे शहरों में थोड़ा स्ट्रेस में है। नमस्कार नीरज जी, दो पहलुओं पे बात हो चुकी है ऑलरेडी, कंसोलिडेशन के ऊपर बात हो चुकी है और वेलफेयर पे हो चुकी है। वेलफेयर में दो दो भाग होते हैं, एक तो जो पैसा दिया जा रहा है जैसे किसान सम्मान निधि है या अब सोलर एनर्जी की बात है कि छत पे सोलर लग जाएगा तो लोगों के परिवार में 18,000 रुपए तक उनको आमदनी हो सकती है ग्रिड को बेच करके बिजली, तो जो ये कैश और उसके साथ साथ जो गरीबों को चाहे वो विश्वकर्मा स्कीम है या अन्य जो जो अलग अलग योजनाएं हैं जिसके तहत लोगों के हाथ में निवेश करने के लिए पैसा आ रहा है, तो वो पैसा जैसे ही खर्च होगा तो उसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ खरीदेगा ही। तो एक तो इंक्लूसिव कंज्यूमरिज्म कहिए कि लोगों को जिनके पास पैसा नहीं होता था उनके पास पैसा आ रहा है जो कि खर्च करने लायक होगा, तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि काफी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तीसरा पहल जो कि भारत जो कि शायद पूरी जो 58 मिनट्स की पैकेजिंग है उसमें शायद मिस हो गया लोगों से कि भारत को के विरुद्ध बार बार बोला जाता था कि हम लोग अपने चांसेस को अपने अवसरों को कभी पकड़ते नहीं ठीक से। आप अगर ये देखिए कि इसमें जो फंड शुरू किया गया है कि यंग एंटरप्रेन्योर टेक्स हैवी यूथ के लिए उसमें कितना शायद 1,00,000 करोड़ का है, ऐसे 50,000 करोड़ का पैसा दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन पे कि आप अपना रिफॉर्म लाइए, तो जो बड़ी शायद छुपी हुई मैसेज है जो कि शायद इलेक्शन के बाद दिखाई जाएगी कि कुछ चुने हुए एरियाज में चाहे वो एआई हो या वो एनवायरनमेंट का हो, पर्यावरण का प्रोटेक्शन के लिए हो या फार्मा की बात की गई है या ऐसी दो तीन और सेक्टर्स की जो बात की गई थी उन्होंने कि वहां वहां पे लगातार लोगों को अवसर दिए जा रहे हैं खुद नौकरी शुरू करने के, अपने आप कुछ नया व्यापार शुरू करने की। एआई में जो बात हो रही थी कि हम लोग के शायद रोजगार में चैलेंज आ सकता है अगले 2-3 साल में, अगर तुरंत हम लोग खुद करेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट तो अपने आप हो जाएगा। वैसे ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, तो ये जो शायद थोड़ी सी साइलेंट मैसेज थी कि सरकार एक इकोसिस्टम में पैसा डगाएगा जिसकी जिसको इस्तेमाल करके हम लोग के जो सेक्टर्स जहां पर स्ट्रेंथ है तो उस पैसे से रोजगार अपने आप, तो जो रोजगार का शायद मतलब रोज की वो सूट पहन करके ऑफिस जाने वाला रोजगार नहीं होगा, पर जो नया रोजगार है कि अगर सही टेक्स सेवी लोग होंगे उनको रोजगार मिलेगा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, इसको एक रिफ्रेस करता हूं मैं आपसे। ये बात बिल्कुल सही कि जो लोग ये समझते हैं कि 9 से 5 की नौकरी करेंगे हम कहीं, वो रोजगार की तो कॉन्सेप्ट भूल जाइए आप, अब वो तो दुनिया में कहीं नहीं चल रहा है। क्या ये जो सरकार है इस बात को मान रही है या समझ चुकी है कि अब वो 9 से 5 वाली नौकरी प्राइवेट सरकारी कहीं पे भी आप उतना ज़्यादा होप ना करें, रादर जो AI के खतरे हैं या जो ऑटोमेशन के रोबोटिक्स के खतरे हैं उसको देखते हुए उन्होंने ये समझ लिया है कि SMEs के थ्रू और स्टार्टअप के थ्रू ही जॉब क्रिएशन होगा और उसके लिए ये एक बड़ा फंड बनाया गया है कि आप लोन लीजिए इंटरेस्ट फ्री, एक्सपेरिमेंट करिए, सक्सेसफुल हो जाइए तो बहुत अच्छी बात, नहीं सक्सेसफुल हुए तो खाली मूल चुकाना है आपको। क्या ये सरकार इस दिशा में चल पड़ी और ये अब आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि जॉब तो साहब वहीं से क्रिएट होगा और इसीलिए सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। नीरज जी, मेरा मैं थोड़ा सा बस उसमें संशोधन करूंगा। अब आप जाइए अगर 200 साल या 150 साल पहले तो जो घोड़ा गाड़ी चलाता होगा न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में उसकी नौकरी चली गई जब जिस दिन गाड़ी आ गई, क्योंकि गाड़ियां चलाते थे, घोड़ा गाड़ी खत्म। तो यहाँ पे रियलाइजेशन ये नहीं कि 9 से 5 या 10 से 12 जो भी नौकरी है वो है, रियलाइजेशन ये है कि भारत के पास एक अवसर है AI में, जैसे है कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा वेल ट्रेन्ड
नियर एआई रेलेवेंट इंजीनियर्स हैं। हमारे पास डेटा जो कि नेचुरली भारत में डेटा है, नेचुरल डेटा सेट्स फॉर ट्रेनिंग जो करना होता है एआई बनाने के लिए, जनरेटिव एआई के लिए, वो हमारे पास है। फार्मा में हमारे पास लोग हैं। तो मुझे ये लगता है कि उसको इस्तेमाल करके जो नौकरी है वो केवल केवल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। हम मान लीजिए अफ्रीका के लिए बना रहे हैं एआई कल, या अफ्रीका के लिए नया फार्मा बना रहे हैं, या नया रिसर्च कर रहे हैं मेडिकल के लिए, तो मेरे हिसाब से नए एरियाज आएंगे रोजगार के, चाहे वो फार्मा होगा या सस्टेनेबल सस्टेनेबल एनर्जी ले लीजिए, सोलर ले लीजिए। सोलर में इस समय जो चीन का डोमिनेशन थी उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस समय एक गैप है दुनिया में, जो कि एक साइड पर शायद अमेरिका वगैरह है जो कि बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि $27 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट हुआ है एआई में, और $27 बिलियन यूएस और यूके के अलावा कुछ चंद देश ही डाल सकते हैं। हम लोग सस्ते में वही काम कर देंगे जो हमने मंगलयान में दिखाया था। तो हम लोग के पास अवसर है मार्केट शेयर को ग्रैब करने का दुनिया भर से, और वो जब ग्रैब होगा, चाहे हम लेसर डेवलप्ड कंट्रीज को बेच रहे हैं या कॉस्ट कंपेटिटिवनेस पे बेच रहे हैं अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स को, उससे रोजगार आएगा। तो मैं इसको ये कहूंगा कि नेचर ऑफ जॉब इटसेल्फ हैज चेंज्ड, और उस चेंज की वजह को, उस अवसर को पकड़ने का टाइम अब है जो सरकार समझ गई है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल, ये पॉइंटेड बात है आपकी। और जब मैं 9 से 5 कह रहा था, उसका मतलब ये कि अब जो आप नौकरी करेंगे, काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे, वो स्टेक होल्डर जॉब होगा, यानी जो काम आप कर रहे हैं उसके आप पार्टिसिपेंट हैं, तब करेंगे। और बहुत आसान भाषा में समझाऊँ तो कि टारगेट ओरिएंटेड आप जॉब करें, तब ज़्यादा शायद आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। वहीं आप जा रहे हैं, वहीं देश जा रहा है, वहीं दुनिया जा रही है। इसको बहुत अच्छे से लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ अपने 30 तारीख की सैलरी से मतलब है, ये वाला शायद फॉर्मेट चेंज होगा, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियाँ बदल रही हैं। शर्मा जी हमारे साथ हैं, पीएचडी सीसीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। शर्मा जी, एक चीज़ मुझे चाहिए, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने जो फिस्कल मैथ समझाई है वो मुझे थोड़ा समझाइए। वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि बहुत टफ है वो। देखिए, टफ कुछ नहीं है, बहुत चीजें मैडम ने सरल कर दी हैं, और भारत ज्यादा से ज्यादा सरलता की ओर बढ़ रहा है। और जो मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं और जो मेरे पहले के पैनलिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छे से सब चीजों को एक्सप्लेन किया है। और मैं ये कहूंगा कि ये बजट जो है वो एक विकसित भारत की रिफ्लेक्शन है, जिसमें आप हरेक चीज में जो सरकार है वो हरेक चीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा करना चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा समृद्ध हों और ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ हों, और हमारी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो, ग्रोथ स्ट्रांग हो। तो सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। जिस तरीके से सरकार ने ज्ञान, जो गरीब युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता है, उसको फोकस किया है, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान और उनको आगे विकसित भारत का एक मेजर पार्ट बना के उनको आगे तक 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए उनके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जो बात कही है। और दूसरा जो इस बजट में सबसे जो मेरे को अच्छी चीज लगी है, वो है R&D एक्टिविटी, जिसके ऊपर आपने भी चर्चा की कि हम बहुत ही मिगर हैं इस चीज में, और हमारा जो R&D टू GDP रेशियो है बहुत कम है, वो 1% से भी कम है। तो उसमें सरकार ने बहुत ही अच्छी जो है ये घोषणा की है, जिससे इनोवेशन आएगी R&D, क्योंकि हम इंडस्ट्री बॉडी में बहुत ऐसे हरेक साल, लगभग जब से मैं इंडस्ट्री बॉडी में हूँ तब से मैं हरेक साल ऐसे रिप्रेजेंटेशंस मेरे पास आते हैं कि R&D एक्टिविटी के ऊपर फोकस होना चाहिए, अगर सरकार इसके ऊपर कुछ इंसेंटिवाइज करे, कुछ इसमें बेनिफिट दे, तो R&D एक्टिविटी बढ़ेगी। तो सरकार ने वो, चाहे वो लॉन्ग अवेटेड था, देर से हुआ, तो लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है। और तीसरा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिस्कल डेफिसिट जिसकी आपने बात की, वो एक सरप्राइज भी दिया है सरकार ने। एक तो जो इस साल का फिस्कल डेफिसिट था, जो 5.9% आंका गया था, उसको इम्प्रूव होना, वो तो चलो थोड़ा सा भिनक थी कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसमें से हमने अभी 55% ही यूज किया है इस साल के लिए, तो हमारे पास काफी एक अच्छा जो है, वी हैव अ गुड रूम टू मूव फॉरवर्ड टू इम्प्रूव द फिस्कल डेफिसिट, जिसमें हम आगे इसमें और भी इम्प्रूव हो सकता है, मैं कहूंगा, क्योंकि अभी हमने 55% ही 100 में से जो है यूज किया है। तो अगले वर्ष के लिए जो रखा, वो ज्यादातर जो संभावनाएं थी कि 5.3 रहेगा और 5.2 रहेगा, 5.4 से इस तरह, वो उन्होंने उससे भी इम्प्रूव करके 5.1% का जो एक अनाउंसमेंट किया, उसके लिए काफी जो इसका इफेक्ट आएगा। मैं अभी तो आज मार्केट में कोई ऐसी हलचल
ज्यादा नहीं देखी, मार्केट शायद अच्छे से बजट को समझ रही है। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि मार्केट्स के लिए एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिवनेस फैक्टर बनेगा कि दिस विल अट्रैक्ट मनी फ्रॉम दी फॉरेन मार्केट्स एंड अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स टूवर्ड्स इंडिया। मेरा ये मानना है कि इसको इसका मार्केट्स को जरूर भरपूर असर मिलेगा। और जो एक अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो पीएम आवास योजना में जो सरकार ने बताया कि 3 करोड़ जो हाउसेस हैं वो तो अचीव कर लिए गए हैं और 2 करोड़ का लक्ष्य और रखा गया है, तो इससे सीधे तौर पे जो हाउसिंग सेक्टर है, जो हाउसिंग डिमांड है, जो आपका रियल स्टेट डेवलपमेंट है, उसमें और ज्यादा जो है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आने वाले दिनों में जो एम्प्लॉयमेंट के संसाधन है, क्योंकि जब हाउसिंग में एक्टिविटी होती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, अनस्किल्ड लेबर को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, क्योंकि हाउसिंग एक ऐसा कंस्ट्रक्शन, एक ऐसा सेक्टर है जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड सभी लोग अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट जो है कैपेक्स, जो सरकार ने एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक शुभ जो है एक आंकड़ा दिया है, 11,11,000 और 111 करोड़ जो के सरकार ने कैपेक्स दिया है, वो लगभग कोई 3.4% बनता है जीडीपी का, तो ये बहुत अच्छा। और ये भी एक 10 लाख करोड़ के ऊपर, क्योंकि सरकार लगातार इसमें बढ़ोतरी कर रही है, और अभी तो ऐसे लग रहा था कि 10 लाख करोड़ तो बहुत ज्यादा पिछले साल जो कैपेक्स हुआ, तो उसके ऊपर अभी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा या फिर बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि फिस्कल डेफिसिट को भी एड्रेस करना है, और बहुत सारे हमारे पास और संभावनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर सरकार फोकस करेगी। तो ये सरकार ने एक बहुत अच्छा जो पांचवा मैं इसको स्तंभ कहूंगा कि जो इस बजट का आज सरकार ने अनाउंस किया है। और एक और महत्वपूर्ण चीज जिसको मैं जो रेलवे रेल कॉरिडोर नहीं, मैं उसको ग्रोथ कॉरिडोर मानता हूँ, क्योंकि सरकार जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें एनर्जी और मिनरल्स और सीमेंट के जो कॉरिडोर सरकार ने, ये तीनों चीजें ही भारत की समृद्धि के लिए है। और तीनों चीजों में ही कई बार ऐसा होता है कि अगर उनमें ही प्राइस एस्कलेशन की वजह से कई बार हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी होती है, कई बार लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि ये तीनों ऐसे पार्ट हैं जो कि हर एक चीज में, जैसे हम कण कण में इन चीजों की जरूरत पड़ती है, एनर्जी के बिना हम नहीं, मिनरल्स एक लाइफ का एक सुदृढ़ पार्ट है, सीमेंट जो है सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है उसके लिए हमें सीमेंट तो चाहिए ही चाहिए, तो उसके ऊपर तो इससे क्या है कि एक तो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी एड्रेस होगी, और दूसरा जो जो आगे इन चीजों में जो प्राइस एस्कलेशन आते थे और जो इकोनॉमिक जी एक्टिविटी होगी इन कॉरिडोर्स के आसपास जो भी जब ये डेवलप होंगे, तो बड़ी जबरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। और फिस्कल डेफिसिट की बात में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जिस नहीं तरीके शर्मा जी, केवल एक लाइन में मुझे जवाब चाहिए, क्या FY 2026 में 4.5% का फिस्कल डेफिसिट अचीवेबल है? जी जी बिल्कुल, ये अचीवेबल है, और मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि हमारा जीडीपी की जो रफ्तार है, अगर आप देखें तो इस साल में हम 24-25 में $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन रहे हैं। उसके बाद हम जो हमारी जो एक्सपेंडिचर की जो स्पीड है, उससे ज्यादा हमारा जीडीपी आगे तेज गति से बढ़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अचीवेबल एंड वी विल इम्प्रूव फ्रॉम दिस नंबर, डेफिनेटली वी विल इम्प्रूव। जी, 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का भी लक्ष्य अचीवेबल लगता है आपको? जी जी बिल्कुल, वो हमने भी ओके बहुत सारे ऐसे एस्टिमेट्स दिए हैं। हमारा $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी हमने पिछले साल 2023 में मई जून में हमारी एक रिपोर्ट थी जिसमें हमने एस्टिमेट किया कि 24-25 में इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड 2027 में 5 ट्रिलियन। गुलाम सर, इंफ्रा पुश बहुत जबरदस्त है, हालांकि रन रेट अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, जो कि इस बार की 11% से थोड़ा सा ज़्यादा किया है, पहले से जाएंगे थोड़ा सा, चूँकि बेस बड़ा है तो रन रेट थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन दो दो चीज़ें आपसे मैं समझना चाहता हूँ, एक तो ये हाउसिंग में दो, एक तो जो पीएम वाला है वो तो ठीक है, एक दूसरा उन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए भी एक कोई हाउसिंग स्कीम प्लस इंफ्रा पुश, और आप इसके एक्सपर्ट हैं सर, क्या दिख रहा है आपको इसका प्रोस्पेक्ट? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा रेड जी कि आपने जो कहा कि रफ्तार में थोड़ी मांग पड़ती भी दिखाई दे रही है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि जो कुछ भी, अगर शायद ये उमर इलेक्शन ईयर के टाइम पे थोड़े बहुत काफी सारी पाबंदियों के आने के कारण सारे कॉन्ट्रैक्ट, काफी सारे बिड प्रोसेस थोड़ा थम जाता है, तो मैं केवल उसी को इसका दोषी मानता हूँ कि अगर ऐसी स्पेशल सिचुएशन ना रही होती तो शायद हम पिछले सालों के बनिस्बत इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड और ज्यादा कर पाते। और मैं
मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले चंद महीनों में हम दोबारा इसे उसी पहले की रफ्तार से ज्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को। और उसके बाद जो चंद एक चीजें जो खास तौर से आप जिस पर तवज्जो दिलाना चाह रहे थे उसमें खास तीन जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात की गई है, ये काफी लॉन्ग इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं जो रूरल और अर्बन का कनेक्ट लेके आ रहे हैं, और उसके कारण वंस अगेन जो नए शहरों की और जो टीयर टू टीयर थ्री सिटीज का ग्रोथ होते हुए हम देखेंगे वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब तक हम पिछले कई सालों से इस बात का दुखड़ा रोना होते आ रहे हैं कि इंडिया में अर्बनाइजेशन इतनी तेजी से हो रहा है कि वही तीन चार शहरों पे सारे सारे लोग चले आ रहे हैं। अब उससे बदलता हुआ हम देखेंगे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जैसे रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, सारी चीजें बन रही हैं, तो अब लोग अपने अपने शहरों में अपनी जॉब्स पा रहे हैं। जैसा इससे पहले मेरे सारे पैनलिस्ट ने बताया कि किस तरह जॉब क्रिएशन होना है, वो सारी चीजों के होते हुए अब मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता रह गई है कि हर किसी शख्स को मुंबई दौड़े चले आना है या दिल्ली दौड़े चले आना है। आप अपने अपने शहरों में अपने जॉब पाओगे और उसमें ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर से ताल्लुक रखता हुआ, मुझे याद है पिछली दफा हमने आपने बात की थी हाई स्पीड रेल की, जिसे आज हम वो नमो एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, उस पर भी काफी फोकस किया गया है। और हाई स्पीड रेल के साथ साथ बुलेट ट्रेन की भी बात होनी है कि जब आगे चल के जिस बुलेट ट्रेन की आज हम इतना ओपनली बात नहीं करते, शायद आज से दो साल बाद हम उस बुलेट ट्रेन को भी कई सारे शहरों को जोड़ते हुए पाएंगे, जहां पर शायद 400 से 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी हम पा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से ताल्लुक रखती हैं और इनका डायरेक्ट एक तरफ तो आप जैसा बता रहे थे कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जो ताल्लुक रखते हैं उसमें काफी सारी जॉब्स क्रिएट होगी, और उसके चलते फिर जाहिर सी बात है उसका इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है वो रियल एस्टेट को मिल रहा है, क्यों, हाउसिंग रिक्वायरमेंट है। जैसे हर शख्स जो एक जॉब पाता है अगला ख्वाब उसका है कि अपना खुद का मकान बनाया जाए, और उस चीज पर अब ध्यान काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज से शायद 6-7 साल पहले जब बात की गई थी कि हम 2-3 करोड़ मकान बनाना चाहते हैं तो उस समय शायद ये चीज थोड़ा सा ख्वाब के मानन थी, लेकिन आज सच्चाई है। अगर 3 करोड़ मकान आज डिलीवर हुए हैं तो अगले जो 2 करोड़ मकानों की बात प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चल रही है उस पर अब हमें विश्वास, यकीन ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि 3 करोड़ दिए जा चुके हैं। अब उसके बाद जो आपने अगला सवाल पूछा, जो अर्बन या खास एक मिडिल क्लास तबके के लिए जो बात की जा रही है, वो लोग जो किराए के मकान में रहते हैं या वो लोग जो या स्लम्स में, झोपड़ियों में, या फिर जिसे कहते हैं अनऑथराइज लिविंग, उनका अपना मकान हो, ये अगला टारगेट जो सरकार ने अपने लिए लिया है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप हम काफी लोग हम मुंबई में रहते हैं और हमें स्लम्स नाम की किस चीज, स्लम के बगैर मुंबई तो शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है अगले चंद दिनों में जब वो पॉलिसी हमारे सामने आएगी, अभी तक उस पॉलिसी को ठीक से हमारे सामने लाया नहीं गया है, पीमे के अंतर्गत वो अगले 2 करोड़ मकान बनने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ये जो नई स्कीम है इसमें पहली बार फोकस किया जा रहा है कि हर उस शख्स के लिए जो शायद अनऑथराइज मकान में बैठा है उन सबको अपना अपना मकान मिले, और उसके लिए क्या पॉलिसी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो वक्त बताएगा। लेकिन जैसा और भी पैनलिस्ट बता रहे थे, चूंकि अब जुलाई ऐसा नहीं है कि सरकार में कुछ बहुत बड़े तब्दीली आती हुई दिख रही है, तो हमें इस बात का भी यकीन बन चला है कि अगले जुलाई में हम शायद उस चीज को भी, जिसकी आज उन्होंने पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं दी, शायद हम अब इंतजार करेंगे जुलाई में जो मिडिल क्लास तबका जो रेंटल हाउसिंग में रह रहा है, स्लम में रह रहा है, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या नया सुझाव है, उसके लिए हम सबका इंतजार बना रहेगा। सुनील सर, एक चीज बताइए कि जो सरकार ने एक बात कही कि हम थोड़ी बोरोइंग भी कम करेंगे और ग्लोबल इंडेक्स में भी हम लोग शामिल हो रहे हैं, आज बॉन्ड मार्केट में थोड़ी सी हलचल दिखी, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हलचल दिखी, क्या आपको लगता है कि एक माहौल ऐसा बन रहा है कंड्यूसिव जहां पे रेट कट की संभावनाएं बनती हैं? रेट डिक्रीज की संभावना, नॉट रेट कट की संभावना। देखिए क्यों मैं बता रहा हूँ, ये रेट कट तो आरबीआई अनाउंस करती है शॉर्ट टर्म के लिए रिपोर्ट में, रेट डिक्रीज जो होता है तो एक्चुअल कॉर्पोरेट की बोरोइंग कॉस्ट में जो होगा, मेरे को नहीं लगता है कि आरबीआई रेट कट करेगी, क्योंकि 4% का उनका जो टारगेट है, सेकेंड रेट कट करते हैं जब ग्रोथ स्लो डाउन होता है, ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए उसका तो नामो निशान नहीं है। तीसरी बात है कि इंडिया एक सप्लाई ड्रिवन इकोनॉमी है, हमारा इन्फ्लेशन सप्लाई के कारण, इंपोर्टेड ऑयल और फूड के कारण होता है, तो रेट तो उसके ऊपर असर नहीं होता है। तो मेरे ख्याल में आरबीआई शायद रेट कट ना करे, तो ये उम्मीद नहीं रखे आप, मगर ओवरऑल क्योंकि गवर्नमेंट की जो बोरिंग कम हो रही है तो एक जो होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है,
हर साल अगर गवर्नमेंट बोरो करती है, कोई भी बैंक गवर्नमेंट को लेंड करना प्रेफर करेगी, तो उनके कारण उसके कारण कॉर्पोरेट्स को कम पैसा मिलेगा। तो ये कहते हैं क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कम करा रही है तो इट क्रिएट्स मोर रूम बैंक्स कॉर्पोरेट सेक्टर को लेंड करने के लिए, लिक्विडिटी और पैसा ज्यादा होगा। एक बात वो इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आ सकती है। और अगर ऐसा पैसा ज्यादा है बैंक्स के पास, तो एक और दूसरे बैंक के कंपटीशन में ट्रिपल ए रेटेड और डबल ए प्लस रेटेड कॉर्पोरेट बोरोअर्स के लिए एक नेगोशिएशन से रेट्स कम हो सकता है। इसलिए मैंने कहा लेंडिंग रेट्स शायद घट सकती है। सेकंड चीज जो है बजट के साथ शायद ये नहीं है, मगर ये जो बॉन्ड इंडेक्स में जून 28 से इंडिया का इंक्लूजन हो रहा है, तो अगर फॉरेनर्स वहां पे पैसा लाते हैं तो नेचुरली जब वो ज्यादा पैसा आते हैं तो उसके कारण मीडियम टर्म लेंडिंग रेट्स भी कम हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे लिए मोहर बन रहा है कि शायद एक लेंडिंग रेट इकोनॉमी में थोड़ी गिर सकती है, मगर आरबीआई से रेट कट का उम्मीद मेरे मन में नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन का 4% के नीचे गिरकर हमारी ग्रोथ भी स्लो डाउन होके फिर रेट कट के जरिए ग्रोथ को बूस्ट करने का माहौल अगर आ गया तो बात अलग है, हम डेंजर सिचुएशन में है, ऐसी बात ना होनी चाहिए। इसलिए आरबीआई से रेट कट का उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं कि होगा, मगर इकोनॉमी में रेट्स लेंडिंग रेट नीचे आ सकते हैं। करेक्ट, लेंडिंग रेट नीचे आ सकते हैं, कट की उम्मीद ना रखें, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन अभी भी बहुत चैलेंजिंग है इंडिया में, ऐसे कोई शक नहीं होना चाहिए। आप कुछ जोड़ना चाहते सर? मैं नीरज जी जोड़ना चाह रहा था कि दो चीज़ें मैंने और देखी कि एक तो ये सरकार उधार लेने में हिचकिचा नहीं रही है। हमारा जो टोटल बोरोइंग है 173 लाख करोड़ के आसपास है और करीब 80-85% के बीच में GDP से आप कंपेयर करें तो उसके बीच में है। अब इसकी तुलना कहाँ से की जाती है? आप अमेरिका से करिए, 1.3, उससे कहीं ज़्यादा है, 100% से ऊपर है। तो ये मुझे लग रहा है इस सरकार ने 10 साल में एक ये ट्रेंड चेंज किया है कि आप उधार लेने से मत घबराइए और आप उसको अलाइन करिए जीडीपी के साथ, और अगर वो पैसे का इस्तेमाल ठीक किया जा रहा है तो वो आप उसको रीपेमेंट करने की कैपेसिटी में भी होंगे और वो आपको आपकी इकोनॉमी को अनहेल्दी भी नहीं बनाएगा, जो बार बार विपक्ष की तरफ से आयोग लगता है कि पहले 55 लाख करोड़ था जब सरकार आई थी, अब 173 लाख। मुझे नहीं पता उसको क्यों इस तरीके से देखा जाता है। और केपेक्स के बारे में आपने नोट किया होगा कि थोड़ी सी मुझे सुपरस्टिशन भी नजर आई, वो 11,111 तो मुझे लगता है वो जैसे कोई सगन के फिगर डालते लिफाफे में डालते हैं वो लगी। पर हमने देखिए ये सारी बातें कर ली, पर मुझे लगता है कि बजट में एक सेक्शन और होना चाहिए चैलेंजेस का, कि हमारे सामने चैलेंजेस अभी क्या हैं। तो मैंने 3-4 चैलेंज आपकी इजाजत हो तो मैंने लिस्ट आउट किए जब मैं हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। मुझे लग रहा है वो चैलेंजेस भी हमें ध्यान में रखने चाहिए और ये चैलेंजेस नीरज ज्ञान से रिलेटेड हैं, तो क्योंकि ज्ञान से रिलेटेड है तो उनका जिक्र करना जरूरी। पहला मुझे लगता है कि आपने स्पीच में सुना होगा 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं, ये अभी 13.5 थे पर पूरे 10 साल देखें तो 25 करोड़। मुझे लगता है ये 25 करोड़ लोग जो बाहर आए हैं ये बहुत वल्नरेबल है, और जरा सी भी अगर हमने मॉनिटरिंग में कमी रखी तो ये वापस स्लिप कर सकते हैं उसमें, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपका लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ, एजुकेशन पे के पैमाने पे नापती है। जरा सी इस पे कहीं, तो मुझे लग रहा है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए कि ये 25 करोड़ लोग जो आपकी मेहनत से ऊपर आए हैं वो ऊपर बने रहें, वरना ये वल्नरेबल है, ये इमीडिएटली स्लिप कर जाएंगे नीचे। अब वो स्लिप करने का सर्वे कब होगा, कैसे होगा, एक वो चैलेंज। दूसरा मुझे चैलेंज नज़र आता है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रिंसिपली स्मॉल फार्मर्स को हमें प्रॉफिट में लाना होगा, उसको प्रॉफिट में आप MSP दे रहे हैं, वो मुझे लगता है कि तो एक नेचुरल प्रॉफिट, जैसे बिजनेस एक चलता है तो नेचुरल प्रॉफिट, हमने ई नाम के मंडियों को लिंक करने की बात करी इसमें, तो मुझे लग रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को नेचुरल प्रॉफिट में किसी भी तरह लाना होगा, क्योंकि आप आर्टिफिशियली एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉफिट में रखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी और वो जहीं कहीं जरा सा भी लापरवाही हुई तो फिर किसानों का धरना, वो सब आपको फिर देखने को मिलता रहेगा। तीसरा मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को नापने का एक ठोस तरीका देश में चाहिए। जैसे अमेरिका में आपके चैनल पर सुबह जब भी रात को डेटा आता है, इतनी नौकरियाँ मिली इतनी गई, हम अपने यहाँ ये क्यों नहीं कर सकते हैं, ये मेरा एक सवाल भी है और मुझे चैलेंज भी नज़र, सिवाय EPFO के
और CMI जैसी एजेंसीज होती हैं, कितनी ऑथेंटिक है कितनी नहीं है वो एक अलग मैटर है, पर हमारे पास कोई ऑथेंटिक, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर जहां देश की ज्यादातर वर्कफोर्स है, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। जब तक हम अनएम्प्लॉयमेंट को नापने का पैमाना नहीं बनाएंगे, मुझे लगता है आपके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है। ये चार चैलेंजेस, और पांचवा चैलेंज मुझे, चौथा चैलेंज मुझे लगता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ये अभी भी हमें, हम भले ही विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, पर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को हमें किसी भी तरह, ये गैप अब क्या है कि के शेप में क्या है, ऊपर वालों को तो आप नीचे ला नहीं सकते, मैं तो नहीं कह सकता कि आपकी इतनी वेल्थ होगी तो इसको कट कर दीजिए, पर नीचे वालों को हम ऊपर उठा सकते हैं, वो सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पांचवा और आखिरी चैलेंज मैं इंटरनेशनल मानता हूं, मुझे लगता है, और ये मार्केट से भी रिलेटेड है, हालांकि मार्केट पर मैं बोलता नहीं हूं, वो मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल चैलेंज इस समय बहुत बहुत ही सीरियस है। वेस्ट एशिया जल रहा है, आपके रेड सी से 50% इंडिया का एक्सपोर्ट होता है, 30% वहां से इंपोर्ट होता है, जरा सा भी अगर वहां आग भड़कती है तो मुझे लगता है कि सप्लाई चेन्स या डिस्टर्ब होंगी, फिर इन्फ्लेशन चैलेंज आ जाएगा, इन्फ्लेशन चैलेंज आया तो फिर रेट का चैलेंज आ जाएगा, वो सारा जो ट्रिगर हो जाएगा वो सारी चीजें, ये चार पांच चैलेंजेस हैं। तो मुझे लगता था कि चैलेंज पे भी कहीं डिस्कशन इसमें होना चाहिए। मैं साकेत जी से जवाब लेता हूँ, बहुत छोटे में जवाब चाहिए। देखिए, जो इंटरनेशनल वाला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो शायद किसी कंट्रोल में नहीं होगा, तो वो अगर होगा तो हम लोग को उसको डील करना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी आपने तीन चार गिना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण। साकेत जी, इसमें से आप एक दो डील करना चाहेंगे क्या? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा तो जो किसान की प्रोडक्टिविटी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है लॉन्ग टर्म के लिए, और उसके लिए उसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती कुछ भी। उस होल्डिंग कैपेसिटी को दो तरह से बढ़ा सकते हैं, या तो थोड़ा सा क्रेडिट मिल जाए, चाहे वो FPOs के थ्रू हो या कोऑपरेटिव के थ्रू हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हो कि मंडी में अगर वो जाए सब्जी बेचने के लिए तो उसको एक की जगह अगर दो दिन रखने को मिल जाए, या कोल्ड लॉजिस्टिक्स का हो कि 2 घंटे दूर या 3 घंटे दूर मंडी में जाके बेच सके, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे हो रहा है, शायद जिस स्पीड से हम लोग चाहते हैं और जिस स्पीड से कृषक को जरूरत है वो नहीं हो रहा है, पर वो सबसे बड़ा चेंज आएगा मुझे लगता है जब कृषक को तुरंत जाकर के समझिए बिना किसी नेगोशिएटिंग पोजीशन के बेचना पड़ेगा अपना सामान। अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट, आई थिंक इंडिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर जितनी हद तक है वो मुझे नहीं लगता है फोर्सिबल फ्यूचर में हम लोग को ज्यादा उस पर मदद मिल पाएगी। ज्ञान की बात हो रही थी तो अगेन आई थिंक हम लोग को एजुकेशन पॉलिसी जो चेंजेस हुए हैं उसमें, मुझे मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना यह है कि हम लोग को थोड़ा सा अभी भी मोर टुवर्ड्स एम्प्लॉयबिलिटी जो जरूरत है पढ़ाई की, वो जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आज भी हम लोग पढ़ाते हैं, उसके बाद कितना वो एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्दी हैं, और डिग्रीज ओवर डिग्रीड होते हैं एंड सॉर्ट ऑफ अंडर क्वालिफाइड होते हैं, वो बदलाव अभी जरूरत है हम लोग को। टेक सेवी जो है वो थ्रस्ट हो रही है, पर अभी उसमें हम लोग को बहुत थ्रस्ट की जरूरत है। साकेत जी, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस पर मैं रखना भी चाह रहा हूँ, चूंकि आज मौका है, हम लोग बजट पर चर्चा कर रहे हैं, बिग पिक्चर पर देख रहे हैं, तो ये मुझे भी लगता है कि हमारी जो एजुकेशन की खर्चे हैं, जो पॉलिसी है, जो तरीका है, उसमें अभी भी बहुत मैसिव गलतियाँ हैं कि हम उसको प्रोफेशनली और स्किल्ड एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। अभी भी हम वो वाली प्रोफेसर बनाने वाली शिक्षा की तरफ अभी भी उन्मुख है कि ज़्यादातर लोग वैसे ही पढ़ के आ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो फॉर्मल जॉब ढूंढने की लोग कोशिश करते हैं BA MA या PG करके, उनको दिक्कत आती है क्योंकि स्किल्ड जॉब आपके पास नहीं, और स्किल्ड जॉब भरे पड़े हैं मार्केट में। आप एक ढूंढने जाइए आपको 10 नौकरियाँ मिलेंगी आज की तारीख में भी, अगर आप स्किल्ड हैं तो। लेकिन वो चूंकि है ही नहीं, वो बचपन से सिखाया नहीं गया। अब जो स्किल इंडिया किया वो बहुत, पता नहीं कितनी स्पीड उसकी चल रही, वो भी एक क्रिटिसाइज है कि वो उतना स्पीड से काम हो नहीं रहा। अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम है जॉब वाली, ये और अच्छे से एड्रेस हो सकती है। सर, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, लौट के तुरंत आता है अभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं कि जो एक बिग पिक्चर का ट्रेलर हमें मिला है
उसमें क्या क्या चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और ये जो बजट है ये ग्रोथ को कैसे फ्यूल कर रहा है। एक बहुत अच्छा किसी ने कोट भेजा मैं, और उसको मैं क्वेश्चन में भी कन्वर्ट करके पूछूंगा अभी। उन्होंने लिखा, इन एवरी बजट पुअर गेट्स सब्सिडी एंड रिच गेट्स रिबेट, मिडिल क्लास सी टीवी एंड डिबेट। अब ये तो मजाक में किसी ने लिख दिया है, लेकिन इसको सीरियसली देखें तो जो जिस मिडिल क्लास की मैं बात कर, आपके पास ही आ रहा हूँ गुलाम सर, मुंबई दिल्ली बेंगलोर जैसे ये जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ भारी संख्या में मिडिल क्लास रहता है। उसके लिए कोई रियायत राहत की बात है क्या? वो मकान खरीदने जाता है तो मिनिमम टिकट साइज 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ है, उसको क्या मिल रहा है? कुछ इसके बारे में सोचेंगे? फॉर्मल हाउसिंग जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसकी जैसा मैंने पहले बताया था कि जो आज पॉलिसी डिक्लेयर की गई है उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है, और वो हमारे लिए हमेशा से चिंता का बाइस बना रहा है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में जहां पर 40-45 लाख की लिमिट आंकी जाती है, इस अमाउंट में मिडिल क्लास के लिए कोई मकान मुयस्सर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अब बात आ जाती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को दोबारा लिया जाए, उसकी जो उसके जो लिमिट्स हैं उसे दोबारा डिफाइन किए जाए, उस पर काफी चर्चाएं चल रही हैं। क्या उस लिमिट को बढ़ाया जाए, 70-80 लाख 90 लाख तक लाया जाए मुंबई जैसे शहर के लिए, या कुछ लोगों का मानना है कि साइज को एक पैरामीटर बनाया जाए कि आप 1000 स्क्वायर फीट से नीचे वाले मकान को आप अफोर्डेबल हाउसिंग में डिफाइन करें और पीने के अंदर में उन्हें सारे सुविधाएं प्रोवाइड करें, पर ये सारी चीजें अभी तक तय नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना इटसेल्फ आज रीवैलिडेशन के स्टेज पर कगार पर खड़ा हुआ है कि जो बाकी जो 2 करोड़ मकान के लिए नई स्कीम बननी है उसका हमें इंतजार है, क्योंकि पहली चीज तो जो पुराने पीमे के अंदर में जो न्यू अप्रूवल थे वो सब बंद हो चुके हैं, क्योंकि दिसंबर 2024 में ये पुराना प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 करोड़ मकानों की जिनकी आज जिक्र किया गया है उसके लिए नए सिरे से एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, और मुझे यकीन है उसमें इन चीजों पर गौर किया जाएगा। जैसे इस चीज का सबसे बड़ा फियर ये है कि अगर हम 1 करोड़ तक मान ले मकान मुंबई के लिए कर ले, तो मुंबई में भी ऐसे मकामात हैं जैसे पालघर चले जाए या पनवेल चले जाए या ढुंडोली चले जाए, वहां पर 1 करोड़ में आपको लग्जरी अपार्टमेंट मिल जाएंगे। तो इस चीज का ताल्लुक आपके सर्कल रेट से या रेडी रेकनर वैल्यू से भी जुड़ना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर अब तक की कोई क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रही है। और ओवर एंड अबव जो अर्बन पुअर के लिए जैसे कि स्लम ड्वेलर्स या जो मकान अनऑथोराइज मकानों में रह रहे हैं, उन सब लोगों के लिए भी जो आज एक नया इशारा दिया गया है उस पर क्लैरिटी अब भी नहीं है। तो अगर आपका सवाल मुझसे ये है कि डायरेक्ट जवाब दें कि मिडिल क्लास के लिए या हम जैसे लोगों के लिए इस बजट में हाउसिंग को सामने रखते हुए क्या प्रोविजन किए गए हैं, ऑनेस्टली मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया गया। मैं तो इंतजार करना चाह रहा हूँ कि जब इन्होंने ये कुछ बड़ी बड़ी पॉलिसी डिसीजन अनाउंस किए हैं उसमें क्लैरिटी सामने आए, ताकि हमें पता चले कि हम जैसे लोगों के लिए नए मकान कहाँ मिलने वाले। उसका नीरज यही है कि ज्ञानम बन जाए संस्कृत वाला, और GYANM लग जाए, आगे मिडिल क्लास भी लग जाए। ज्ञानम साकेत जी कुछ ज्ञानम के लिए बोलना चाह रहे हैं जी? साकेत जी नहीं, मैं ज्ञानम के लिए उसको उसका उसका मेरे में अभाव ज्यादा है, पर बट एक्चुअली आई थिंक मिडिल क्लास को इस समय, देखिए इनइक्वालिटी तो दुनिया में रहेगी और लेसर डेवलप्ड कंट्रीज में रहेगी हमेशा, पर जिस दिन हम लोग सरकारी नौकरी और जो डेली नौकरियां छोड़ करके आगे जाने की कोशिश करेंगे, और मुझे पता है कि कुछ हम लोग के बिलियन डॉलर के वैल्यूएशंस कम हो गए हैं, पर जो एस्पिरेशन इस देश में, जो कि अमेरिका वगैरह में आप जाइए तो जो बच्चे होते हैं बहुत कम लोग नौकरी करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, उससे जो ये इकोसिस्टम बन रहा है मुझे लगता है वो हमारे मिडिल क्लास के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अभी आप जो पहले बात कर रहे थे, मैं किसी गांव में गया था और बच्चों को हम लोग ने बॉम्बे के एक सप्लायर के थ्रू पढ़ाई कर दिया था साइंस और मैथ्स के लिए। तो अभी जो मानसिकता है, करीब 50% बच्चे छोटे बच्चे थे, अधिकतर बेटियां थी, उन सब ने हाथ ऊपर के कहा मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ, पर बहुत कम बच्चे कहने लगे कि हम इसको सीख करके हम कुछ अपनी दुकान खोलना चाहते हैं या मोबाइल रिपेयर खोलना चाहते हैं या सोलर पैनल्स को रिपेयर करना चाहते हैं। एक इतनी दुनिया खुली हुई है, हम लोग को किसी तरह से
थोड़ा सा माइंडसेट बच्चों का और अपने परिवारों का बदलने की जरूरत है, क्योंकि नौकरियां बहुत हैं और नौकरियां केवल इंडिया में ही नहीं होंगी, उन स्किल्स का सेट पूरे विश्व में इस समय जरूरी होगा और हम लोग शायद मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से दे सकते हैं जी। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए सर, पिछले इतने सालों से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है ना, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वैसे ही माहौल मिलेगा, वैसे ही चीज़। उसको एक बहुत इसको तो ना रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, नई सोच रखने की ज़रूरत है। और मैं तो ये भी अपील करूँगा कि शिक्षकों को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, उनसे जनसंख्या नहीं करवानी चाहिए गणना कि जाइए कास्ट सेंसस में लग जाइए, उनको सिर्फ पढ़ाने दीजिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या। आप तो सर यूपी बहुत घूमते रहते हैं कि वो प्राइमरी स्कूल के मास्टर बेचारे पता नहीं क्या पढ़ाने से, वो बाकी बहुत सारे काम करते थे, दिन में खाना बनवाओ, ये करो, उनको सिर्फ फोकस कराइए एजुकेशन पे, तब उनके ऊपर डंडा चलाइए, तो एक लॉजिकल बात लगी। शर्मा जी, वेरी क्विक कमेंट। जो इस वक्त हम लोगों को लग रहा है कि मिडिल क्लास के लिए भी एक चैलेंज होना चाहिए, बड़े शहरों में लोग रहते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग एसएमईज से जुड़े हुए हैं, क्या रियायत और राहत आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि साकेत जी ने अभी जो पॉइंट्स दिए हैं वो मैं उनसे बहुत एग्री करता हूं और वो फैक्ट हैं लाइफ के। मैंने देखा है, हम इधर इंडस्ट्री में बैठ के देखते हैं कि जो बच्चे जो एजुकेशन लेते हैं, कई बार उनका सही तरीके से उपयोग जो है इंडस्ट्री में नहीं हो पाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस बहुत कम है। और सरकार ने ये जो पहल की है, जो R&D एक्टिविटी के ऊपर जो लोन इंटरेस्ट पर जो लोन मिलेगा 50 ईयर, इससे जो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री का कनेक्ट और इंक्रीज होगा। इससे इससे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो स्टूडेंट्स को, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एक एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडस्ट्री में काम करने की, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो इंडस्ट्री लोग हैं उनको भी एक एजुकेटेड और साइंटिस्ट और ये सब लोग चाहिए आगे इनोवेशन लाने के लिए। तो एक बहुत अच्छा कदम है। इससे मैं समझता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन है उसका और ज्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेशन होगा। और बात मिडिल क्लास की जो आपने पूछा, तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ज्यादातर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर जो अभी पीछे इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी रही है, अभी भी इन्फ्लेशन थोड़ा हाई है, तो ज्यादातर इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनका जो जिसको हम रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं, ज्यादातर जो खर्चा है उनमें निकल जाता है, जिसमें उनको मकान चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए और कपड़ा चाहिए, और बच्चों का एजुकेशन जो आजकल काफी एस्पिरेशंस हैं कि बच्चों को बाहर पढ़ाना है या अच्छी जगह पे वो करना है, तो उनमें बहुत खर्च हो जाता है। और अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस में फीसेस का जो स्ट्रक्चर है काफी हाई रहता है, जो खासकर जो आजकल प्राइवेट एजुकेशन में लोग जाते हैं। तो जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम कहते हैं, क्योंकि टैक्सेशन भी अगर आप टैक्स में देखेंगे तो 15 लाख की इनकम को हम 30% पे कर रहे हैं, जो कि एक मिडिल इनकम है, जिसको हम पीक रेट लगभग कोई 30% लग जाता है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम रह जाती है, जिससे कि जो डिमांड है, डिमांड को अच्छे से जो खासकर मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो ज्यादातर वही सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसमें कभी भी जब कमी आती है तो उसी की वजह से होते हैं कि और खर्चे बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया, तो उनके EMI भी महंगा हो गया, ऊपर से जो ऑलरेडी जो खर्चे थे वो बहुत ज्यादा है, तो जो वो कैसे फिर आगे ड्यूरेबल्स में जाएंगे और ज्यादातर जो कंज्यूमर। बिल्कुल, बिल्कुल शर्मा जी, समय थोड़ा सा कम है इसलिए एक कमेंट मैं ले लेता हूँ सुनील जी का। ये बिल्कुल सही है कि अगर बहुत डिस्पोजेबल डिस्क्रिशनरी इनकम आप नहीं देंगे मिडिल क्लास को जो 10-15 लाख कमा रहा है, तो वो अपने नीचे जिनको काम देता है वो एक चैलेंज होगा। तो इकॉनमी वैसे ही घूमती है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। सुनील सर, बहुत छोटा जवाब चाहिए आपसे। ये बजट सुनने के बाद, ये विजन डॉक्यूमेंट सुनने के बाद, आपने अपने रिसर्च एनालिस्ट को किस सेक्टर की रिसर्च में काम पे लगाया है? स्ट्रेट काम का सवाल है सर ये। मैं कहूंगा कि मेरे को ये R&D का जो अनाउंस किया है, अनुसंधान चुकी बात हुई, तो वहाँ पे कहाँ ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि वही एक बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट मेरे मुझे दिख रहा है। तो मेरे ख्याल में उसमें 2-3 सेक्टर्स के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक फार्मा के रिलेटेड में, जहाँ पे हम जेनेरिक और API की प्रोडक्शन से डायरेक्ट प्रोडक्ट इनोवेशन और नई सॉल्यूशंस ऑन मेडिकल साइड कर सकते हैं, किस कंपनी की ऐसी ये जो गवर्नमेंट ने ये बजट में अनाउंस किया है उसका फायदा उठा सकती है, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा। सेकंड चीज है कि हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो अल्टरनेटिव एनर्जी में सोलार में बहुत काम हो रहा है, ये बात हो रही है, पर दूसरा तो इनएग्जॉस्टेबल सप्लाई वर्ल्ड में है। एक तो सूर्य है, दूसरा है वाटर,
कि सी वाटर इतना है, तो उसको तोड़ के जो हाइड्रोजन के जरिए अल्टरनेटिव एनर्जी, क्योंकि इंडिया के लिए 83% हम अपना एनर्जी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम 10-12-13% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, उतना ऑयल का डिमांड बढ़ते जाएगा, तो सबसे ज्यादा इसमें एक अगर हाइड्रोजन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ब्रेक थ्रू हो सके तो ऐसी कंपनियां, वही मैं एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग के तौर पर कर रहा हूँ, नहीं तो इस बजट के अंदर मेरे लिए जो पहली सोच थी कि बैंकिंग और कंजम्पशन ही सबसे फेवरेबल सेक्टर है, तो उसमें एक नियर टर्म व्यू से कौन से कंपनी को बेहतर रहेगी, ये रिसर्च मैंने करने को कहा है बिल्कुल, ये ये। रिसर्च क्या। और हम लोग जब वीकली आवाज़ अड्डा करते हैं ना सुनील सर, तो एक दो हफ्ते बाद जब आप इत्मीनान से पक्के तौर पे मन बना लेंगे, तब हम लोग इसको फिर से एक बार आपसे समझेंगे कि अब पक्के तौर पे कहाँ लोग काम पे लग गए हैं। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे इस बजट में जो सबसे अपीलिंग चीज़ लगी है सर, वो 1 लाख करोड़ का इनोवेशन फंड, मैं तो मुझे लगता है वो गेम चेंजर है। एक चीज़ आपको सबसे अच्छी क्या लगी, एक लाइन बताइए, एक चीज़। अनडाउटेडली अनुसंधान, जय अनुसंधान वॉज द टेक अवे, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा लैकिंग हम वहीं पर थे। बिल्कुल, एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए, आप कोर पकड़ लीजिए तो ग्रो अपने आप हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।